होने पाए। इसके दोषियों को और इस साजिश को पूरी तरह से बेनकाब करने के लिए पूरे इलाके पर ड्रोन से नजर है पुलिस की, और साथ ही साथ यहां का जो महसी इलाका है जहां से पूरा बवाल शुरू हुआ है वहां पर इंटरनेट को बंद कर दिया गया है ताकि डिजिटली भी किसी अफवाह को बढ़ने से रोका जाए, कोई भी अप्रिय स्थिति इंटरनेट के माध्यम से भी ना पैदा हो सके जिससे फिर से तनाव हो। देवीपाटन रेंज के डीआईजी अमरेंद्र प्रसाद सिंह और जो डिविजनल कमिश्नर हैं वो भी मौके पर हैं, वो खुद लाठी हेलमेट से लैस होकर मौके पर जा रहे हैं। ये सब अब तक क्या कार्रवाई की गई है, जो कल हत्या हुई थी उसमें कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें क्या कार्रवाई? उसमें FIR पंजीकृत की गई है और उसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो रही है। तो अभी जो हालात हैं वो कैसे हैं? टेंस है लेकिन यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल है, हम लोग चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं DIG इनका ये बात कहना है कि हाँ जरूर ये बात सही है कि माहौल थोड़ा टेंस है, लेकिन हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पर्याप्त फोर्स है और हम जो पूरे हालात हैं उसको काबू में कर रहे हैं। इस वक्त पर्याप्त फोर्स यहाँ पर आ गई है, लिहाजा अब धीरे धीरे जो पुलिस है वो एरिया डोमिनेशन में जुट गई है। जो सीनियर अफसर हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं, उन्होंने लीड ले ली है। जो DIG हैं और डिविजनल कमिश्नर हैं वो खुद मौके पर आ गए हैं और अब महसी तहसील की ओर पुलिस प्रशासन के लोग बढ़ रहे हैं। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज 18 बहराइच। बहराइच में कल हुई हिंसा के बाद आज भी तनाव की स्थिति बनी है। आज भी गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया है, आगजनी से लेकर तोड़फोड़ और लूटपाट की है। पहले परिजनों ने मृतक का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था, लेकिन जिला प्रशासन और BJP विधायक के समझाए जाने पर परिजन शव के अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए हैं। और इसी बीच पुलिस ने इस हत्याकांड में 6 नामजद और 20 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। तो तोड़फोड़ और लूटपाट का भी आरोप है। बहराइच में हिंसा के बाद जबरदस्त तनाव का माहौल रहा, गुस्साए लोगों ने हंगामा किया, यहां तक कि शव का अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया। लोगों ने आगजनी की, तोड़फोड़ की, इसके बाद 20 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 6 लोगों पर नामजद FIR हुई है। कल हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई जिसके बाद लोगों का गुस्सा कुछ इस तरह फूटा कि उन्होंने आगजनी की, तोड़फोड़ की, गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि लोगों ने किस तरह गुस्से में आकर उपद्रव किया, आग लगाई गाड़ियों में, तोड़फोड़ की दुकानों में, मकान में, और दूसरी तरफ शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार किया। 30 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। गोलीकांड के मुख्य आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। SHO हरदी और महसी चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। क्या क्या एक्शन अभी तक हुआ? तनाव वाला पूरा इलाका इस वक्त छावनी में तब्दील है। ड्रोन से नजर रखी जा रही है, पूरी फोर्स लगी हुई है इस पूरे इलाके की सुरक्षा में। डॉक्टर्स के पैनल ने मृतक का पोस्टमार्टम पूरा कर लिया है। बहराइच की महसी तहसील में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। CM योगी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ उस पूरे घटनाक्रम पर उनकी नजर बनी है। होम सेक्रेटरी से लेकर ADG लॉ एंड ऑर्डर मौके पर पहुंच चुके हैं। 30 उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गोलीकांड के मुख्य आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मोहल्ले में जहां कल एक पक्ष के युवक की हत्या की गई थी, आज उसी मृतक पक्ष की जो बेकाबू भीड़ है वो महाराजगंज कस्बे की ओर आगे बढ़ गई है और उस तरफ बढ़ के तोड़फोड़ कर रही है। जहां पर जो मुस्लिम और अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्ग इलाका है जहां पर हत्या की गई थी वहां पर तोड़फोड़ की जा रही है। खासतौर से जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो घर हैं, जो प्रतिष्ठान है उनको निशाना बनाया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग का एक घर है जहां पर वो कार खड़ी है, आक्रोशित भीड़ ने उस कार को भी फूंक दिया है। हालांकि पुलिस प्रशासन के जितने भी अफसर हैं वो पीड़ित परिवार से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार की मांगें क्या हैं, उनकी मांगों को कैसे पूरा किया जाए, इस पर वहां पर वार्ता चल रही है। तमाम जो भीड़ थी वो वार्ता कर रही थी, लेकिन इसी बीच आक्रोशित भीड़ ने तोड़फोड़ के बाद एक कार में आग लगा दी है। हालांकि पुलिस प्रशासन के जो तमाम अफसर हैं वो अभी भी मौके पर लगातार मशक्कत कर रहे हैं कि इस हालात को कैसे समझाया जाए, सुलझाया जाए। लेकिन जो बेकाबू भीड़ है वो आरोपी के घर की तरफ रवाना हो गई है। और अपडेट के लिए आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या हालात है, इंटरनेट सेवा बंद है जो संवेदनशील इलाका है इस पूरे क्षेत्र का, और साथ ही साथ जो FIR दर्ज हुई है मुख्य आरोपी के लिए पुलिस दबिश दे रही है, कोई कामयाबी मिली अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए 6 नामजद और करीब 2 दर्जन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी हत्या की धाराओं में, जो कल वाला इंसिडेंट था
और एसपी बहराइच से बताया गया है कि तीन आरोपियों को उसमें से हिरासत में ले लिया गया है। और आज जो आक्रोशित भीड़ थी जिसने तोड़फोड़ की है, आगजनी की है, इस मामले में भी 30 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। और इस वक्त जो मैसूर तहसील की पुलिस चौकी है वहां पर एक गाड़ी में भर कर कुछ हिरासत में ले गए आरोपियों को यहां पर लाया गया है। इस स्थिति को काबू में करने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश मौके पर पहुंच चुके हैं। गृह सचिव डॉक्टर संजीव गुप्ता यहां पर मौके पर पहुंच चुके हैं। एडीजी गोरखपुर जोन डॉक्टर के एस प्रताप कुमार, डीआईजी देवी पाटन रेंज अमरेंद्र प्रसाद सेंगर कल रात से ही यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन पुलिस की ओर से एक लापरवाही जरूर हुई है कि जब शव को मैसी तहसील के गेट पर लाया गया था उस वक्त जो आला अफसरान है वो बातचीत में उलझे हुए थे और आक्रोशित भीड़ का एक समूह उस इलाके की ओर बढ़ गया कल, जहां पर इस नौजवान की हत्या हुई थी और वहां पर एक वर्ग विशेष के घरों को, उनकी दुकानों को निशाना बनाया गया, उनके वाहनों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। और जब फोर्स पर्याप्त मात्रा में आ गई है तब उन्होंने इस एरिया पे अपना प्रभाव हासिल किया है और कई आरोपियों को हिरासत में लिया है। कई आरोपी मेन रोड से खेत होते हुए अपने घरों की ओर भाग गए हैं। पुलिस हिरासत में लिए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आप नजर बनाए रखें, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका ऋषभमणि। तो बहराइच में तनाव है, भारी फोर्स वहां पर तैनात है। बहराइच में साजिश के पीछे आखिर कौन है, इस मामले में 30 लोगों पर अज्ञात में एफआईआर हुई है, 6 नामजद हैं। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। एसएचओ हरदी और महसी चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। तनाव वाला पूरा इलाका इस वक्त छावनी में तब्दील है। मुख्यमंत्री की इस घटना पर नजर बनी हुई है और उन्होंने सभी अधिकारियों को ग्राउंड पर जाने के आदेश दिए हैं। ऐसे में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौके पर पहुंचे हुए हैं, होम सेक्रेटरी मौके पर पहुंचे हुए हैं और कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस जो है वो पूरे इलाके में कोई गड़बड़ी ना होने पाए ये सुनिश्चित कर रही है। भारी संख्या में फोर्स वहां पर तैनात है, हर किसी पर नजर रखी जा रही है। पूरे क्षेत्र का जो वो इलाका है जहां पर ये पूरा मामला शुरू हुआ था, जहां हालात संवेदनशील है, वहां पर इंटरनेट बंद है और पूरे क्षेत्र का निरीक्षण जो है वो ड्रोन से भी किया जा रहा है। और एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने बहराइच की घटना पर दुख जताया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, जिन्होंने पुलिस के कामकाज के तरीके पर सवाल खड़े किए। ये दर्दनाक भी बहुत दर्दनाक है और बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और जहाँ तक ये कि पुलिस का अगर पहले से ठीक से इंतजाम किया होता या उस पर ध्यान दिया होता तो घटना न घटती। ये सारे विषय तो बात के हैं, जांच के विषय हैं, कौन दोषी है, कितना दोषी है, जिम्मेदारी किसकी है, ये बात की बात है। लेकिन आज मौजूदा स्थिति में इस घड़ी में केवल समाज के सभी वर्गों से, राजनीति से ऊपर उठ करके मेरा विनम्र निवेदन है कि शांति और सद्भाव कायम करने में हर तरह का सहयोग दें। उधर बहराइच बवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी पोस्ट सामने आया है। उत्तर प्रदेश की शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। दंगाइयों को संरक्षण देने वाले एक बार फिर से सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन हमें सतर्क और सजग रहना होगा। प्रदेश के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। दोषियों को कानून के दायरे में लाकर सख्त सजा दी जाएगी और पीड़ितों को पूरा न्याय मिलेगा। सभी नागरिकों से शांति और धैर्य बनाए रखने की अपील करता हूं। तो बहराइच बवाल पर सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि माहौल बिगाड़ने वाले बचेंगे नहीं, शांति बिगाड़ने की साजिश नाकाम होगी, सतर्क और सजग रहना होगा।